हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एप्टिविज और आज हम लोग आपके साथ इंग्लिश की वन वर्ड वनवर्स की सीरीज का अगला टॉपिक वर्ड्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट वो आपके साथ डिस्कस करेंगे तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं देखिए अगर हम बात करें वर्ड्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट की तो इसके लिए आपने एक चीज याद रखनी है कि जिन शब्दों के अंत में क्रेसी यानी कि वर्ड्स एंडिंग विद क्रेसी देखिए क्रेसी वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू गवर्नमेंट तो दिन शब्दों के लास्ट में आपको वर्ल्ड क्रेसी मिले तो उसका मतलब हमारे पास होता है गवर्नमेंट तो देखिए सबसे पहला हमारे पास वर्ल्ड आ गया डेमो देखिए डेमो कहीं पे भी डेमोगोग डेमोग्राफी तो डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी मींस गवर्नमेंट तो सिंपली जब वर्ड हमारे पास बन गया डेमोक्रेसी तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी नेक्स्ट वर्ड इज येसी देखिए ऑटो मीन्स सेल्फ ठीक है ऑटो मीनस सेल्फ तो ऐसी गवर्नमेंट विद अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी इज नोन एज ऑटोक्रेसी नेक्स्ट वर्ड इज योर यो देखिए अरिस्टो मीन्स नोबल कहीं पे भी वर्ड अगर आपको अरिस्टो मिलता है तो अरिस्टो का मतलब होता है नोबल नाउ अरिस्टोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट मेड बाय नोबल पीपल इज नोन एज अरिस्टोक्रेसी नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूरोक्रेसी ठीक है नाउ व्हाट इज ब्यूरो तो ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिशियल्स ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स राइट right? तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब है जब कभी भी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाए या ब्यूरोक्रेट्स द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी नेक्स्ट वर्ड इज ऑली कहीं पे भी वर्ड ऑली मिलता है तो ऑली का मतलब होता है हमारे पास फ्यू तो गवर्नमेंट मेड बाई फ्यू पीपल इज नोन एज ऑली गैर्ची नेक्स्ट वर्ड इज प्लूटो ठीक है देखिए द वर्ल्ड प्लूटो मीन्स वेल्दी द वर्ल्ड प्लूटो मीनस वेल्दी तो देखिए प्लूटोक्रेसी का मतलब हमारे पास क्या हो गया गवर्नमेंट बाय वेल्दी दैट इज नोन एज प्लूटोक्रेसी नेक्स्ट इज योर हेरार्की तो गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट इज नोन एज क्या हैरार्की नेक्स्ट थियोक्रेसी द वर्ल्ड सी थियो का मतलब होता है डिवाइन गाइंडेस तो गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाई डिवाइन गाइंडेस इज नोन एज थियोक्रेसी एपिस्कोपेसी जब हम बात करते हैं एपिस्कोपेसी की तो दैट इज गवर्नमेंट ऑफ द चर्च गवर्नमेंट ऑफ द चर्च बाय बिशॉप इज नोन एज एपिस्कोपेसी नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेटोक्रेसी देखिए स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब हो गया गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास इज नोन एज स्ट्रेटोक्रेसी तो मेन जो आपने याद रखना है हमेशा दैट इज द वर्ल्ड क्रेसी क्रेसी रिलेटेड टू गमेंट नेक्स्ट देखिएस्टोक्रेसी सी का मतलब है जी वर्स्ट सिटीजन द गवर्नमेंट मेड बाई सिटीजंस। नेक्स्ट वर्ड इज इटोनॉमी ऑटोनॉमी द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज नोन एज ऑटोनॉमी नेक्स्ट वर्ड इज पॉलिटिक्स। द साइंस ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज पॉलिटिक्स रेवोल्यूशन रेडिकल चेंज इन गवर्नमेंट इज नोन एज रेवोल्यूशन रेफरेंडम देखिए रेफरेंडम कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट वोटिंग से आपको डिसाइड करना हो तो उसे हम क्या कहते हैं रेफरेंडम इनगनम इंट्रेग्न मींस द पीरियड बिटवीन टू रीन इज नोन एज नेक्स्ट वर्ड इज योर कंसोर्ट द वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ किंग और क्वीन उसे हम क्या कहते हैं कंसोर्ट कहते हैं नेक्स्ट वर्ड इज सेंसियस एंड ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ अ पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसियस नेक्स्ट इज योर य फैक्ट एंड फिगर्स इज नोन एज स्टेटिक्स तो ये थे जी हमारे पास आज के वर्ड्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट द वर्ड एंडिंग विद क्रेसी रिलेटेड टू गवर्नमेंट होप आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और ऐसे वीडियोज आप हमारे चैनल पर देख सकें थैंक्स टू भी दार्ट दा ऑफ एप्टिविज जय हिंद जय जै भारत